हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है। व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, ये इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ज्यादा तरक्की पे है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिलेगा प्राइवेसी छोड़ के। हर बार जब भी मैं सोचता हूँ ना कि इंसान मुझे इससे ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, एक नई व्लॉग वीडियो मेरे सामने आ जाती है। 13वीं में मस्ती भूख लग गई गाइस, वो सब ठीक है भाई, पर इतना भी सच नहीं बोलना होता। मैं मान रहा हूँ दादाजी जाते जाते अपनी पूरी वसीयत तुम्हारे नाम करके चले गए, पर अपनी इस मस्ती को ना अपने अंदर रखो क्योंकि समाज इस सबको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना समाज को ऐसा फील होने दो कि तुम्हारे अंदर इतनी मस्ती हो रही है। दादाजी की 13वीं में बिताए कुछ हसीन पल। दादाजी की आत्मा को शांति मिलने का अगर कोई स्कोप होता भी ना, तो इसकी हरकतों के चलते तो वो भी चला गया। अरे एटलीस्ट दादाजी की आत्मा थोड़ी तो प्राइवेसी डिजर्व करती है यार। मेरे पिताजी की 13वीं का सुबह से लेकर रात तक का व्लॉग वीडियो। ऐसे में हंसना नहीं चाहिए यार, लेकिन करने वाले को भी तो देख लो, वो क्या कर रहा है वो सोच ही नहीं रहा करने से पहले। यार ऐसे टाइम में तो डेली व्लॉगर भी ब्रेक ले लेगा, पर ओकेशनल व्लॉगर्स के लिए तो शायद इससे बड़ी कोई ओकेशन हो ही नहीं सकती अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। 8 बजे ग्लैमर भी पूरा है भाई व्लॉग के अंदर फुल। पापा की 13वीं वाले दिन बुआ की लड़की के साथ स्टोरी टाइम चल रहा है। उभरते व्लॉगर ने आपदा को बनाया अवसर। चश्मा ला ले लो, तूने अलग से दिखा भी पड़ता है। ये व्लॉग कम और 90s की शादी की कैसेट एडिटेड बाय पूजा स्टूडियो ज्यादा लग रही है। हर मेहमान की थूथ के सामने कैमरा रख के उससे अच्छा खासा स्क्रीन टाइम लिया गया है। घर के रीति रिवाजों में इसका कोई ध्यान नहीं होगा, आज के दिन क्या रीति रिवाज होते हैं ना। पिताजी के जाने के बाद संपत्ति मिल गई, अब तो फुल टाइम व्लॉगर बनेंगे, नई गाड़ी वाड़ी लाएंगे मस्त। खा लिए 70 पूरी खाई ले तब ठीक है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है भाई। अब ऐसा ही कुछ कर दिया हमारी रूही राय ने। अब ये लड़कियां भी ना कहीं भी कुछ भी कर देती है। उधर उर्फी जावेद अरेस्ट हो गई दुबई में अपनी यूनिक आउटफिट में वीडियो शूट करते हुए। अब इन लड़कियों को कैसे समझाया जाए, हर काम करने की एक जगह होती है, एक टाइम होता है। उर्फी तुम इंडिया में ही कर सकते हो बस, ये सब बाहर नहीं अलाउड है ये। सो रूही राय ने एक मिनी व्लॉग या फिर हम कह सकते हैं एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया, व्हाट आई ईट इन अ डे इन माय फादर शराब। और उस चीज पे रूही को काफी ट्रोल किया गया, काफी उसके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनी, काफी रिएक्शन वीडियो बनी और रूही को थोड़ा हर्ट हो गया। सो अगर मैं इस चीज पे अपना ओपिनियन दूं तो देखो, रूही भी और वो लोग भी जो ऑडियंस है और वो लोग भी जिसने रोही के ऊपर वीडियो बनाई इंक्लूडिंग मी, इंटरनेट पे मैं सेम चीज डाल के गालियां खा सकता हूँ और सेम चीज डाल के लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। मैटर करता है मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल, उसमें मेरे आने का तरीका। अब अगर मैं एक वीडियो में आऊं और बोलूं कि एक्चुअली मैं 2 दिन से इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा था कि मेरे दोस्त को कोई सीरियस बीमारी हो गई है गाइस, और मैं इसलिए अब चाहता हूं मैं अपना टाइम उसको दूं, या मैं उसके साथ कहीं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, या मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, या उसके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दूसरी तरह, हेलो गाइस, ये देखो टकलू, ये मेरा दोस्त है, इसको कैंसर हो गया, इसकी कीमो करवा के लाएं। फर्क है दोनों चीजों में। सो सेम रूही, या तो आप उसका टाइटल डाल सकते थे व्हाट आई ईट इन अ डे, दैट्स इट। उसके अंदर आप बता देते कि आज मेरे पापा का श्राद्ध है, आज एक स्पेशल डे है, हम वहां पे ऐसे खाते हैं, वहां पे हम पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। या फिर आप डायरेक्ट माय फादर श्राद्ध वाला व्लॉग डाल सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं, टाइटल उस तरह रख देते। बट आपने दोनों तरीके से क्लिकबेट करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद चलो टाइटल छोड़ दो, आपकी वीडियो शुरू होती हेलो बेस्टीज। आई नो ये नॉनसेंस आपका सिग्नेचर है वीडियो में, बट अगर आपके लिए वो वीडियो बहुत इमोशनल है, हार्ट के बहुत क्लोज है, आपके लिए वो स्पेशल ओकेशन है जैसे कि आप रिप्लाई वीडियो में बोल रहे हो, तो फिर उस स्पेशल ओकेशन पे आप भी थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन कर लो कि हाँ, अगर आप सही जगह पे सही तरीके से एक्ट नहीं करोगे तो लोग तो उसको फिर मजाक में लेंगे। खैर मैं किसी मजाक या ट्रोल को जस्टिफाई या वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ। सो ओके रूही, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया सैडली वैसी नहीं है जैसी हम दुनिया को चाहते हैं अपने लिए, एंड इट इज व्हाट इट इज। हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील, बाय द वे इट्स वेरी यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रेट दिस 8 out of 10। अच्छा तो रूही ने यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाया था ये कि ये एक ही मील खा सकते हैं उसमें, और उस जो इन्होंने मील खाया ये उसको रेट कर रही थी, दैट्स इट फाइन। बट रूही, जितना फाउंडेशन आप अपने ऊपर लगाते हो अगर उतना ही ध्यान अपने पीछे वाले पंखे पे भी दे लेते तो आज वीडियो में आपके साथ साथ वो फैन भी अच्छा लगता। क्लीनलीनेस is a habit of good households. तो मैं साई के पास ये लंच लेकर गई थी, तो लेट्स ओपन इट। और इसमें मम्मी ने पैक किया था मेथी के पराठे और आलू की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। Obviously it was 10 on 10 for me. Okay, एक की जगह दो बार खा लिया, बट भगवान कौन सा छत फाड़ के देखता है, हैं? भगवान को थोड़ी दिख रहे हैं कमरे के अंदर।
चलता है यार इतना तो। उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे। लुक देख यार रूही, अब ये ज्यादा हो गया। देख यार इतना भी नहीं खाना था, नहीं अब ये इतना ज्यादा हो गया कि इवन मैं भी तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकता। यार एक ही तो दिन की बात थी रूही यार, एक दिन थोड़ा खाने में कॉम्प्रोमाइज कर लेती। बाबा जी आप 80 साल के हो गए फिर भी मर ही नहीं रहे। मुझे व्हाट आई ईट इन अ डे इन माय ग्रैंडफादर शराद वाला वायरल व्लॉग बनाना। पागल है क्या? यूं बताओ जहर की गोली खाओगे या फंसी ठीक रहेगी? दिमाग चल गया तेरा? ना बताओ, मैं सोच रहा था आपको आपकी मर्जी वाली मौत दे दूं, यूं तो मैं धक्का भी दे दूंगा कल सुबह। इस सब के बाद रूही के ऊपर बहुत सारे मीम्स बने, वीडियोस बने, बट रूही को इस सब से फर्क नहीं पड़ता। डू आई केयर? नो I don't. Yes, तभी केयर ना करते हुए 25 मिनट की वीडियो बना दी। पर ठीक है यार, उसका भी अपना मन है, जितना ही प्लेटफॉर्म हमारा है उतना ही उसका भी है, उसका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, उसका भी अपना एक ओपिनियन है, उसका भी अपना एक मूड है वीडियो बनाने का। सो लेट इट बी, हर कोई यहाँ पे अटेंशन के लिए वीडियो बनाता है। बट जो एक चीज कॉन्स्टेंट है, ये रोस्टर जो है ना, ये रोस्टर ये मेरी वजह से चल रहे हैं, मेरे कॉन्टेंट की वजह से इनका घर चल रहा है। अगर मैं ना होता, मैं ना होती ना, तो ये भूखे मर जाते, पैसा भी ना कमा पाते। ब्रो 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 ब्रो, जितने भी लोग हर वीडियो में अपनी रिप्लाई वीडियो में रोस्टर्स के बारे में सब बोलते ना, रोस्टर्स का काम सबसे टफ है। पहले तो तुम्हारे पुराने 2-3 साल तक के हग्गू कंटेंट को देखना पड़ता है, तुम्हारे सारे क्रिंज को टॉलरेट करना पड़ता है, उसके बाद रिसर्च करनी पड़ती है, कहां तुमने क्या उल्टा सीधा बोला है, क्या आयरनी की है, क्या हिपोक्रेसी की है, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, वो भी दो एक बार वीडियो की, दूसरी बार थंबनेल की, जहां पे तुम्हारा डल डंब चेहरा अच्छा दिखाना पड़ता है, चमकता हुआ मैं अपने साथ, तब जाके रोस्टर पैसा कमा पाता है, तब रोस्टर के घर में पनीर बनता है। खैर वो सब छोड़ो यार, लेट्स कम बैक टू आवर रूट टॉपिक, इंडियन व्लॉगिंग इंडस्ट्री गोइंग टू फार। इतना फार कि अरमान मलिक भाई ने पहले एक शादी की फिर एक बच्चा, पहले एक शादी की फिर दूसरी शादी की फिर बच्चा, फिर पहली वाली से ही तीसरी शादी की, फिर दोनों से 100% स्ट्राइक रेट के साथ बच्चे। यूट्यूबर अरमान मलिक रिवील्स हिज 2 वाइव्स आर प्रेग्नेंट, शेयर्स पिक। वाओ यार ये तो वेरी गुड न्यूज है जी, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अरमान मलिक भाई एक आध नंबर के साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, नहीं मतलब इनके घर में 4 मेंबर है और 8 चैनल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हर चैनल अलग जोनर का कॉन्टेंट दे रहा होगा, नहीं, अरमान मलिक चैनल जिसपे आते हैं व्लॉग्स, फैमिली फिटनेस चैनल उस पे भी आते हैं व्लॉग्स, चिरायु पायल मलिक इस पे भी आते हैं व्लॉग्स, फैमिली फिटनेस शॉर्ट्स, नहीं ये शॉर्ट्स का चैनल नहीं है, इस पे भी व्लॉग्स ही आते हैं, टॉक विद कृतिक एंड पायल इस पे भी व्लॉग्स ही आते हैं, चिरायु मलिक शॉर्ट्स हाँ इस पे भी व्लॉग्स ही आते हैं, नंबर 1 रिकॉर्ड्स। अभी फिलहाल तो इस पे गाने आ रहे हैं, पर वो दिन भी दूर नहीं जब इस पे भी व्लॉग्स ही आएंगे। आई एम प्रेग्नेंट, कृतिका इज ऑल्सो प्रेग्नेंट। तो ये तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ, ये आपके लिए सरप्राइज था जो आपको अभी दिखा रहे हैं। वाओ इसी सरप्राइज के लिए तो मैं जी रहा था, मेरे जीने का मकसद यही था कि एक घर के अंदर सभी महिलाओं को गर्भवती होते हुए देखूं एक साथ, वो भी लो मेरी तरफ से आप 3-4 कांग्रेचुलेशन रख लो। एक आध इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक आध में आपका काम चलता नहीं किसी भी चीज में। पायल भी मेरा पूरा ध्यान रखती है और एक चीज ना बहुत अच्छी है, पायल मेरा ध्यान रखती है, मैं उसका ध्यान रखती। ये दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल गई है यार, मैं 1999 में ही रह गया। मैं सच में अपने जीवन में इससे बेटर सुनना और करना चाहता हूँ, प्लीज गॉड प्लीज प्लीज। अच्छा एक बात ना मुझे शेयर करनी थी कि मैं वाला ये वाली बात ना तब शेयर करूंगा जब पब्लिकली हो जाएंगी। तो मैंने बात गोलू को भी पहले बताई थी, क्या है ना मैं वॉशरूम जाता हूँ, नहाता हूँ ना, तो वहाँ पे वाइपर होता है, वाइपर से ना पूरा साफ कर देता हूँ। तो गोलू आती कह रही है आजकल ना वाइपर से वाइपर क्यों मारते हो, मैं वाला मुझे डर लगता है कि तुम दोनों में से कोई अंदर आके गिर ना जाए। कभी खुशी कभी गम। भैया मेरे घर में ना मेरा कोई सा भी दोस्त पेट से नहीं है, फिर भी मैं बाथरूम से निकलते हुए वाइपर मार देता हूँ, क्योंकि गीले बाथरूम में चाहे प्रेग्नेंट बंदा जाए चाहे नॉन प्रेग्नेंट बंदा जाए, फिसल के दोनों की खोपड़ी नीचे लग सकती है। सो इसमें कुछ अलग से बताने लायक था नहीं, ये एक नॉर्मल एटिकेट्स में आता है वाइपर लगाना, प्लीज वैसे भी सीख लो। आपने मुझे डाला था मुझे याद है। और ये ना बहुत केयर करते हैं, जैसे हम बैठे होते हैं ना कभी कभी ऐसे ऊपर चौंकड़ी मार के बैठते, तो बोलते हैं तुम क्यों बैठ रहे हो चौंकड़ी मार के, सीधा बैठो आराम से बैठो, तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और मतलब कि ना ये चीज बहुत अच्छी है कि हम तीनों साथ में तो बहुत अच्छी अच्छी केयर होती है। मुझे व्लॉगिंग में जो सबसे अच्छी सबसे नेचुरल चीज लगती है ना वो ये है कि जो 2-3 लोग कैमरा के आगे पीछे होते हैं व्लॉग बनाते हुए, एक नॉर्मल डेली हाउसहोल्ड व्लॉग, तो वे लोग जब एक दूसरे की तारीफें मारते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो एक दूसरे की ऐसी तारीफें मारते हैं जैसे इस चीज के ऊपर इनका कभी पहले डिस्कशन हुआ ही ना हो। लक्ष्य भाई इतने अच्छे हैं कि बचपन में मुझे अपने कंधे पे बिठा के घुमक रहे थे, और मैं तो कभी कभी कंधे पे मूत भी दिया करता फिर भी कुछ नहीं कहते। वो बता बाथरूम वाइपर वाली बात। एक बार ना लक्ष्य भाई ने बाथरूम में अपना वाइपर मेरे चूतड़ों में दे दिया था। मैं वो वाली नहीं, गिल्ले बाथरूम को साफ करने वाली वाइपर। अच्छा लक्ष्य भाई इतने अच्छे हैं कि गिल्ले बाथरूम में इतना अच्छा वाइपर मारे कि पत्थर एकदम नए जैसा दिखता रहे। अच्छा वाइपर मारे, मुझे लगा नया पत्थर है राजस्थान से लाए।
मैं चाहता नहीं तुम दोनों कभी फिसल गए तुम्हें चोट लग जा। अरे देख कितने बढ़िया है। मुझे तो लक्ष्य भाई इतने पसंद है कि मेरा तो शादी करने का भी मन नहीं करता, मेरा तो मन करेगी बस लक्ष्य भाई के साथ ही सो जाऊं। चलो उतार लो अच्छी दोनों भाई। और एक बात और बोलूंगी, जैसे हमारे देखो गाइस बहुत सारे चैनल है, नंबर वन रिकॉर्ड है, चीको का चैनल है, अरमान मलिक है, फैमिली फिटनेस, पर हम क्या करते हैं हर दिन ना ट्राई करते कि सब चैनल्स पे व्लॉग्स आए, सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो। मुझे इस फैमिली में कृतिका दीदी सबसे अच्छी लगती है क्योंकि जब भी वो कोई बात बोलती है वो एकदम इलॉजिकली बोलती है। अगर न्यूटन आज जिंदा भी होता ना उसके बाप के बस की कोई ऐसी थ्योरी बनानी नहीं थी जो इनकी बात को एक्सप्लेन कर देती। 10 चैनल पे रोज व्लॉग, वो भी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इसको घर क्यों बोलते हो, प्रोडक्शन हाउस डिक्लेयर कर दो ना। वैसे हैवी प्रोडक्शन हाउस ही। अरमान मलिक भैया ने जब अपनी पहली वाइफ के साथ अपनी तीसरी शादी की तो इधर तो पंडित जी सातवां वचन दिलवा रहे थे, उधर पहले वचन का व्लॉग लाइव हो चुका था इनके चौथे चैनल पे। एक और खुशखबरी। नहीं भाई नहीं 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 प्लीज, मुझे अब शादी बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी नहीं सुननी यार। भाई व्लॉग्स के नाम पे देश की पॉपुलेशन बढ़ा दी यार तुमने। रोज मेकअप ड्रेस शादी बच्चे, मेकअप ड्रेस शादी बच्चे। अरे यार दिल्ली मुंबई बैंगलोर में जाम रहने लगा तुम्हारी वजह से, हर वक्त ट्रैफिक में लोग फंसे रहे, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, सरकार की सारी नीति फेल हो रही है, वजह तुम हो। और अगर 10 बार लोग तुमसे हो गए ना चाइना से बड़ा देश खड़ा कर देंगे हम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ना मैं ना बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा होता हूँ, ये पीछे की सारी चीजें हैं, गाने हैं, शूट है, प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने छोड़ रखा इन दोनों को कि तुम अपना मस्त रहो, खाओ पियो, जी से लो, जिंदगी में इनको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बस ये छूट दे रखी है जो भी करो ऐसा करो जिससे मेरा नाम ना खराब। आयरनी डाइज 100 डेथ। अरमान भैया फनी तो बहुत हो आप। तो गाइस ये है हमारे दुनिया में सबसे बड़े फैन, आपका प्यार ही बहुत होता है, ये मत कराया करो आप। अभी पाजी शाउट आउट लेके मस्त जाएंगे और फिर मार्कर का निशान हैंड वॉश से साफ करके सो जाएंगे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दादाजी का देहांत हो गया है। जी हां दादाजी नहीं रहे और अभी हमने दादाजी के लिए kafan.com से कफन ऑर्डर किया है। अगर आप भी अपने लिए कफन ऑर्डर करना चाहते हैं तो kafan.com पे जाइए, मेरा कूपन कोड झाटू1 यूज कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अभी जो लोग भी शमशान के पास रहते हैं वो लोग आ सकते हैं मीटअप के लिए, वहीं पर मचाएंगे फैम। और दादाजी की ये न्यूज सुनने के बाद भैया बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ही भैया अभी गट्टा तोड़ने में व्यस्त हैं। और दादाजी के देहांत की वजह से मुझे बाल कटवाने पड़े और शेव करवानी पड़ी। बताना कमेंट करके मैं कैसा लग रहा हूँ पहन की। और अभी भाभी जी नहाने गई हुई हैं, भाभी जी को भी देखते हो। भाभी जी विदेश में व्लॉग्स की वजह से लोगों की जिंदगी बदल गई, पर हमारे यहाँ पहले अपनी जिंदगी बदल लेते हैं लोग, व्लॉग्स बाद में बनते हैं उनके। बहुत बढ़िया यार, मोर पावर टू अस। खैर यार वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है और हमसे बेटर ही कर रहा है, सब हमसे बेटर कर रहे हैं। रूही राय नोएडा में हमसे बेटर कर रही है, फिटनेस फैमिली चंडीगढ़ में हमसे बेटर कर रही है, हम ही है जो सबसे बेकार है। और मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे @lakshya फॉलो कर सकते हो इफ यू लव लाइक माई वर्क। और हमारे शर्म आ रही है बोलते हैं यार, हमारे भी एक व्लॉग चैनल है लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स के नाम से, लिंक मिल जाएगा यार नीचे डिस्क्रिप्शन में।